अभी हम धर्मशाला के पास मैक्लोडगंज में हैं और यह मैक्लोडगंज का मुख्य आकर्षण मेन स्क्वायर है। नीचे मैदानों में गर्मी काफ़ी बढ़ गई है और ऐसी गर्मी में काफ़ी लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। यहां मैक्लोडगंज में भी सैलानियों की काफ़ी भीड़ है और देर रात तक सैलानी इधर उधर घूम रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं पठानकोट बस स्टैंड में और यहाँ गर्मी काफ़ी तेज़ हो गई है और हिमाचल की ओर जाने वाली HRTC बसों काउंटर पर लाइन में खड़ी हैं। आज हम पठानकोट से धर्मशाला की यात्रा HRTC बस में करेंगे। HRTC की यह बस अमृतसर से आ रही है और आगे धर्मशाला तक जाएगी। बस के चलने का टाइम हो गया और जल्दी ही हम बस में बैठ गए। आज हमारी बस के ड्राइवर हैं रंजीत सिंह जी और हम इनके साथ पहले भी यात्रा कर चुके हैं और इनके साथ कंडक्टर हैं सतीश जी। HRTC की यह बस दोपहर 3:20 पे पठानकोट से चलती है और लगभग 6:30 पे धर्मशाला पहुंच जाती है। तो हमारी बस बिल्कुल राइट टाइम 3:20 पे काउंटर से चल पड़ी। पठानकोट बस स्टैंड से चल के जल्दी ही हमारी बस मलिकपुर चौक पहुंच गई। यहां पे भी बहुत सी सवारियां बस का इंतज़ार कर रही थी। इन सवारियों को लेने के बाद बस आगे को बढ़ गई। इस चौक से सीधा रास्ता अमृतसर को जाता है और हमारी बस NH 44 पे चक्की बैंक की ओर मुड़ गई। पठानकोट बाईपास पे ज़्यादातर फ्लाईओवर ही बने हुए हैं और हमारी बस अब इस फ्लाईओवर से गुजर रही है। इस फ्लाईओवर से पठानकोट का एरियल व्यू बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। पठानकोट एक बहुत ही बड़ा शहर है। और यहाँ से हमारी बस NH 44 छोड़ NH 154 पठानकोट मंडी रूट के ऊपर चल पड़ी। और ये सामने आ गया पठानकोट डलहौजी रोड। यहाँ से डलहौजी की दूरी 100 किलोमीटर है। चक्की पुल पार करने के बाद अब हमारी बस हिमाचल की सीमा में प्रवेश कर चुकी है और यहाँ पे NH 154 पे फोर लेनिंग का काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है और जगह जगह रोड को डाइवर्ट किया गया है। और अब हम पहुंच गए हैं जसूर। जसूर में फ्लाईओवर का काम पिछले काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और काम की गति बड़ी ही धीमी है।
यहाँ सड़क के दोनों ओर काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं। लोकसभा इलेक्शन चल रहा है तो हिमाचल के सीएम साहब यहाँ वोटरों को संबोधन करने के लिए आए हुए हैं। और अब हम नूरपुर पहुंच गए हैं और हमारे ड्राइवर साहब आगे रास्ते की जानकारी ले रहे हैं। कह रहे हैं कि आगे रोड कुछ बंद है तो गाड़ियां डाइवर्ट होके दूसरे रास्ते से आगे जा रही हैं। और ये है नूरपुर का बस स्टैंड। यहाँ पे बहुत सी सवारियाँ इस बस का इंतजार कर रही थी और अब बस यहाँ से स्टैंडिंग हो गई है। काफ़ी सवारियाँ बस में चढ़ी। नूरपुर इको पार्क के पास ही यहाँ पे नूरपुर की वुडन मंडी है और यहाँ से काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लकड़ी ट्रकों में भर के देश के अन्य हिस्सों में भेजी जाती है। पठानकोट मंडी फोर लेनिंग का काम युद्ध स्तर पर जारी है। दोनों तरफ पहाड़ों को काट कर सड़क को चौड़ा किया जा रहा है। और अब हमारी बस नागनी माता मंदिर के पास रुकी है। यहाँ पे सवारियाँ चढ़ी। इस एरिया के लोगों की इस मंदिर में गहरी आस्था है। इस रूट पर काफ़ी स्ट्रेचेस को कंप्लीट कर लिया गया है और कोलतार भी बिछा दी गई है। तो जहाँ जहाँ ये काम कंप्लीट हो गया है वहाँ गाड़ियाँ बिल्कुल रफ्तार से भागती हैं।
NH 154 पर रोड कंस्ट्रक्शन का काम युद्ध स्तर पर जारी है और रास्ते में कई जगह टनल भी बनाए गए हैं। इस रोड के बनने के बाद पठानकोट से मंडी की दूरी 50 किलोमीटर कम हो जाएगी और लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। और अभी हम कोटला पहुंच गए और हमारी बस अब कोटला के बने नए पुल के ऊपर से गुजर रही है। कोटला का पुल पार करते ही आगे रास्ता बंद है और रूट को वाया को डिवाइड किया गया है। आगे फोर लेनिंग का काम चलते भारी लैंडस्लाइड हुआ है और जिसके कारण रास्ता बिल्कुल बंद हो गया है, तो बस को यहाँ से त्रिलोकपुर की ओर डाइवर्ट कर दिया गया। अब हमारी बस यहाँ कोटला से त्रिलोकपुर होते हुए 32 मील तक लिंक रोड के ऊपर जाएगी। यह गांव का लिंक रोड है। वैसे तो सड़क बहुत अच्छी बनी हुई है लेकिन इसकी चौड़ाई कम है। इतने बंदे ने ना इतने बंदे कहा गड्डी रोकी रोकी ना कहा जाने तो हमें गड्डी गड्डी लानी है ठीक है। बंदे ने ना हाड़ी कटना ना और यहाँ त्रिलोकपुर गांव से पहले ही काफ़ी लंबा जाम लग गया क्योंकि रोड डाइवर्ट हो गया है और ट्रैफिक सारा इसी ओर मुड़ गया है, तो सड़क भी छोटी है तो गाड़ियाँ दोनों ओर से आ रही हैं। इन भारी वाहनों के कारण हम घंटों यहाँ जाम पर जाम में फंसे रहे। आगे से आने वाले ट्रकों और बसों के कारण गाड़ी को पास देना भी काफ़ी मुश्किल है। ड्राइवर साहब थोड़ी सी जगह से ही बड़ी मुश्किल से बस को पास दे रहे हैं। थोड़ा रास्ता क्लियर होते ही ड्राइवर साहब ने बस एकदम तेज़ी से भगा दी क्योंकि हम पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं और आगे ना जाने कब फिर जाम मिल जाए और लंबे समय तक इंतजार करना पड़े। ड्राइवर साहब बस को जल्दी से आगे निकाल रहे हैं। और अब हमारी बस त्रिलोकपुर गांव के बीच में निकल रही है और आगे फिर देखो जाम लग गया है तो गाड़ियां फिर यहां पे रुकी पड़ी हैं। थोड़ा रास्ता क्लियर होता है तो बस को थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे कंडक्टर साहब आगे रास्ता बनवा के बस को आगे निकालने की जगह बना रहे हैं। नहीं बस आ रहा जाम लो आ जा जाए हां भाई मोड़ लग गए हैं मोड़ लग गए हां जय माता रानी करी ने साड़ी लाइन निकली जय माता रानी बाबा खींच त्रिलोकपुर गांव ऊपर काफ़ी हाइट में है और जो त्रिलोकपुर का मुख्य मार्ग है वो काफ़ी नीचे डाउन में है
तो अब हमारी बस नीचे डाउन में मेन हाईवे की ओर जा रही है। इस छोटे से रोड के ऊपर काफी तीखे मोड़ है और बस को कई बार आगे पीछे ले जाके आगे बढ़ाया जा रहा है। कलेक्टर साहब नीचे उतर के बस को निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मोड़ से निकलने के बाद ड्राइवर साहब ने बस को आगे भगा लिया और कंडक्टर साहब पीछे ही रह गए और वो काफी दूर भाग के आए और बस में चले। और अब आगे रोड थोड़ा क्लियर ही है लेकिन घुमावदार रास्तों से हम नीचे मेन हाईवे की ओर उतर रहे हैं। और अब हम दोबारा NH 154 पर पहुंच गए हैं। इस दिन 4-5 किलोमीटर को पार करने में ही 2-2.5 घंटे का समय लग गया था क्योंकि हैवी ट्रैफिक के कारण जाम भी लगा हुआ था। और यह है 32 मील चौक जहाँ भी रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और सड़क पर गोलतार बिछाया जा रहा है। अगर आप पठानकोट से मंडी मनाली या धर्मशाला आना चाहते हैं तो रोड की जानकारी लेकर ही आए क्योंकि यहाँ ट्रैफिक जाम होने के कारण काफ़ी समय बर्बाद होता है और काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। बत्तीस मील के आगे कई जगह रोड बन के तैयार हो गया है और गाड़ियां यहां आराम से भागती हैं। आने वाले 1-1.5 साल में जब ये रोड पूरी तरह बन के तैयार हो जाएगा तो लोगों को काफ़ी सुविधा होगी और आने जाने के टाइम में भी काफ़ी कटौती होगी। पठानकोट से यहाँ पहुँचे पहुँचे हमें यहाँ शाम हो गई और अब सूरज भी ढलने लगा है। सड़क के दोनों तरफ खेत हैं और खेतों के बीच बने हुए सुंदर घर हैं। शाम के समय सड़क के दोनों तरफ खेत और सुंदर घरों का दृश्य कांगड़ा वैली को और भी खूबसूरत बनाता है। दौलादार रेंज की दूर से झलक मन को मंत्रमुग्ध कर देती है। पठानकोट से धर्मशाला के इस रास्ते में दौलादार रेंज की सुंदर पहाड़ियां और इस दौलादार की गोद में बसा हुआ खूबसूरत कांगड़ा घाटी का यह सफर बहुत ही आनंदमय है।
और अब हम द्रमण पहुंच गए हैं। द्रमण पहले HRTC बसेस के लिए लंच और टी ब्रेक का मुख्य स्पॉट था, लेकिन अब यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क के चलते जो सड़क के किनारे ढाबे और दुकानें थी वो 4-lane प्रोजेक्ट में आ गए हैं और अब यहाँ बस कुछ ही देर के लिए रुकती है। द्रमण से ही एक रास्ता चंबा के लिए भी निकल जाता है। और अभी हमारी बस शाहपुर पहुंच गई है। शाहपुर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई है और थोड़ा अंधेरा भी होने लगा है। शाहपुर हिमाचल का एक मुख्य कस्बा है और शाम के समय यहाँ काफ़ी चहल पहल रहती है, तो बस धीरे धीरे शहर से आगे निकल रही है। और शाहपुर से आगे अब हम रैत में आ गए। यहाँ भी बस सवारी उतारने के लिए रुकी और सवारी उतारने के बाद आगे बढ़ गई। समय शाम के 8 बज गए हैं और हमारी बस अभी चंडी ब्रिज पार कर रही है। यहाँ से एक रास्ता सीधा धर्मशाला को चला जाता है, लेकिन हमारी बस यहाँ से राइट में गगल की ओर मुड़ गई क्योंकि हमारी बस का रूट वाया गगल है। गग्गल के आगे कांगड़ा एयरपोर्ट है, तो यहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट, होटल और इटरीज है, क्योंकि जो यात्री बाय एयर यहाँ आते हैं तो उनके लिए यहाँ काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। और यहाँ हमारे लेफ्ट में गग्गल एयरपोर्ट का मुख्य गेट है और अब हम गग्गल शहर पहुँचने वाले हैं। अंधेरा काफ़ी हो गया है और हमारी बस अभी गग्गल पहुंची है। यहां से हम लेफ्ट में धर्मशाला की ओर मुड़ जाएंगे और ये सीधा रोड मंडी मनाली की ओर चला जाता है। और ये है धर्मशाला का भारतीय जनता पार्टी का मुख्य कार्यालय। आज धर्मशाला में गृह मंत्री अमित शाह जी रैली को संबोधन करने के लिए आए हुए हैं, तो इसलिए धर्मशाला में भी रोड को डाइवर्ट किया गया है और जगह जगह बैरिकेड लगा रखे हैं। पठानकोट से धर्मशाला पहुँचते पहुँचते हमें काफ़ी टाइम हो गया है और काफ़ी घना अंधेरा भी हो गया है। और ये देखिए धर्मशाला का एरियल व्यू, रात की रोशनी में जगमगाता हुआ धर्मशाला शहर काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। Thank you.
हमारे ड्राइवर साहब जो आज सुबह धर्मशाला से अमृतसर बस लेके गए थे और फिर अमृतसर से वापस आते आते भी काफ़ी लेट हो चुके हैं और इनको सुबह बस लेके जलंधर के रूट पे जाना है, तो ये काफ़ी तेज़ी से बस स्टैंड की ओर जा रहे हैं क्योंकि बस में कुछ रिपेयरिंग का काम भी करवाने वाला है। धर्मशाला बस स्टैंड के पास ही ये पेट्रोल पंप है और यहाँ पे आपको काफ़ी वॉल्वो और एसी बसेस दिल्ली के लिए मिल जाएगी। हर रोज़ यहाँ से कई बसेस दिल्ली को रवाना होती हैं, तो आपने अगर दिल्ली जाना हो तो इस पेट्रोल पंप पे आपको बस मिल जाएगी। धर्मशाला शहर की सड़कों से होते हुए हमारी बस स्टैंड के पास पहुँच गई है। ट्रैफिक यहाँ भी कम होने का नाम नहीं ले रही और हमारी बस ठीक 9:30 बजे धर्मशाला बस स्टैंड पहुँच गई। ट्रैफिक जाम की वजह से हमारी बस यहाँ इतनी लेट पहुँची है। वैसे हमारी बस का पहुँचने का टाइम 6:40 का था लेकिन जाम की वजह से बस धर्मशाला पहुँचने में लेट हो गई। हमारे ड्राइवर साहब को सुबह 4 बजे बस लेकर जलंधर जाना है तो वो बस लेकर सीधे वर्कशॉप चले गए। और हम धर्मशाला से टैक्सी लेके मैकलॉडगंज आ गए। आपको आज की हमारी बस जर्नी कैसी लगी कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो में। आप सबको गुड बाय।